रहा? लख है वो, जरा चूल्हा देख लें। घर में सब ठीक है ना? अम्मी अबू कोई मसला तो नहीं है? जी बच्चों सब ठीक है। वो मेरे कॉलेज के लास्ट के दो पीरियड फ्री थे तो मैंने सोचा आपसे मिलती भी जाऊं। अम्मी से पूछ कर आई हूँ ना। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अकेले आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, क्या जरूरत थी ऐसे आने की? जो वो जब से आपको पता चला आर्य भाई और फूफो यहाँ रुक रहे हैं, आप भी तो नहीं आई ना घर। मुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी। अम्मी ने तो आर्य भाई को इतनी सुनाई है कि बस, लेकिन वो इतने ढीठे कि उन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। अब्बू ने कुछ कहा? बेशरम और ढीठ आदमी को कोई फर्क पड़ता है किसी बात से? अम्मी ने जो सुनाई है वो कम थी, उन्होंने तो अपनी पुरानी जॉब भी शुरू कर दी है और ऊपर वाले दोनों कमरों में भी कब्जा कर लिया दोनों ने। मुझे बात ही नहीं करनी इन लोगों के बारे में। बच्चों सुने तो, आपको उनके यहाँ रुकने से प्रॉब्लम, तो आप घर आकर ये बात करें अब्बू से ताकि वो लोग जाएं यहाँ से। मैं यही बात करने आई हूँ आपसे। मेरे जेठ की शादी है, डेट भी फिक्स हो गई है, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। अच्छा तो मतलब आपको चूल्हे और हांडी में लगाकर आपकी नंद और सास शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अच्छा वो लड़की कौन है जिससे आपके जेठ की शादी हो रही है? तुम क्यों पूछ रही हो? सही पूछ लिया मैंने। वो वैसे को शादी के कामों में शामिल कर भी रहे हैं या नौकरों की तरह घर के कामों में ही लगाया हुआ है बस? छोड़ो इन बातों को, कोई और बातें करते हैं। अच्छा ये बताएं फराज भाई कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे कहीं पर। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चों कुछ हुआ है क्या? आपको छुपा रही है मुझसे? मुझसे मत छुपाएं प्लीज, मुझे बताएं। मेरी सास मुझे कहती हैं कि मुझे अश्विन भाई के ससुराल नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो लोग बहुत शरीफ खानदानी इज्जतदार लोग हैं। मुझे पहचान लिया तो रिश्ता खत्म कर देंगे वो लोग। मुझे तो लगता है कि मुझे शायद शादी में भी शरीक नहीं करें। बच्चों क्या फराज भाई आपके हक के लिए बहुत मसरूफ हैं आजकल? अबू के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, सुबह सुबह जाते हैं, रात में थके हुए आते हैं घर। बल्कि जब इनका रिश्ता होना था तब भी नहीं गए थे। क्या वो अब भी आपको कसूरवार समझते हैं? अम्मी से जाके ये बातें मत करना प्लीज। अम्मी को ये सब पहले से पता है बच्चों, तभी तो वो हर नमाज के बाद लंबे लंबे सजदे करती हैं, फिर दुआएं मांग कर कहती हैं कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। कभी सोचती हूँ उस रात में वापस ही ना आती। वो इंस्पेक्टर अब्बू का दुश्मन था, से बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद करती है। बच्चों आपने अब्बू को ये पहले क्यों नहीं बताया? वो सब जानते हैं। क्या वो जानते थे ये सब?